पाकिस्तान थोड़ी हैवी टीम, पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है ना चौक होने का वर्ल्ड बड़े मैच में वर्ल्ड दिखाएंगे। फिर रिजवान, सलमान अली आगा, इफ्तिकार, शादाब नवाज, सेट टीम लग रही है। मैं अविनाश शराब, सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वागत है। इस समय मैं कश्मीर की श्रीनगर की दिलोजान मतलब की लाल चौक पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे सबसे पहले नाम बताता हूँ ओएस। मेरा नाम है ओएस। ओएस भाई के साथ जो है मेरी मुलाकात हुई है, काफ़ी समय से वेट कर रहे थे हमारा कि अविनाश भाई से मुलाकात करें, और तो सोचा कि अभी जस्ट खाना पीना खाया है हमने और मैं सोचा कि चलो यार वीडियो बनाया जाए, कुछ बातचीत की जाए इनसे। तो चलो ओवेस, चलो अब शुरू हो जाओ, जरा मुझे बताओ क्या लग रहा है हमारी टीम इंडिया का। अच्छा पहले क्या बोलो, बोलो नहीं, पहले तो मैं अविनाश भाई को वेलकम करता हूँ कि वो कश्मीर आए, श्रीनगर में वो है अभी, तो जितना हमसे हो सके हम तो उनके मेहमान नवाजी उतना करेंगे जितना हमसे हो सकेगा। तो उसके बाद तो मैं यही बोलूँगा कि जब हमने आपका वीडियो देखा, हमने देखा कि आपने वीडियो डाला था कि आप श्रीनगर आ रहे हैं, तो हमने उसी वो हम उस टाइम क्लास में थे एक्चुअली, लेकिन हमने लगभग एक घंटा पहले से हम क्लास से फिर निकले, तो हम रूम पे गए, वहाँ पे जल्दी जल्दी चेंज किया तो यहाँ लाल चौक पर पहुँच गए। लेकिन फिर पता चला कि आपकी फ़्लाइट थोड़ी डिले हो गई थी, तो तब से हम लगभग दो घंटे से यही आपका वेट कर रहे थे। फिर अचानक हमको यहाँ पर नज़र पड़ी तो अविनाश भाई खड़े थे, तो हम तो बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे और बिलीव नहीं हो रहा था कि सच में हमारे जो अविनाश भाई है वो खड़े हैं यहाँ पर। तो उसके बाद हमसे आपसे मिले, थोड़ा खाना भी खाया, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अच्छा, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तुम्हारी मेहमान नवाजी, और होप सो कि कश्मीर की जो ये मेरी ट्रिप है ज़बरदस्त हो एकदम, अब तक तो बहुत अच्छा ही रहा है। अब थोड़ी सी ना बात कर लेते हैं क्रिकेट पे, क्योंकि क्रिकेट की वजह से मुझे फॉलो करते हो। हाँ जी, ये बात बताओ कि हमारी टीम इंडिया का क्या चांस लग रहा है इस समय वर्ल्ड कप के? बहुत सारा ना थोड़ा सा भसड़ मचा हुआ है, मतलब कभी ये खिलाड़ी बैठ रहा है, कभी वो खिलाड़ी बैठ रहा है, कुछ भी करवाया जा रहा है, जो बॉलर को टीम में रखा जा रहा है उनसे बॉलिंग भी नहीं कराया जा रहा है, बैटिंग कराया जा रहा है। अक्षर पटेल को देख लो अभी, है ना, तो समझ में नहीं आ रहा किसका क्या रोल वगैरह है, क्या लग रहा है इस बार टीम में? टू बी ऑनेस्ट, आज मुझे पहली बार लगता है जब मुझे पाकिस्तान थोड़ी हैवी टीम लग रही है आज पहली बार, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि उनकी टीम आजकल सेट दिखाई दे रही है, जो कि इंडिया में उतनी सेट आज वनडे की टीम दिखाई नहीं दे रहा, खासकर उनका मिडल ऑर्डर या ओपनिंग पेयर भी, वहाँ पर वो ज़्यादातर आजकल एक्सपेरिमेंट जैसे कर रहे हैं कि उनका सेट नहीं है कि नंबर फोर पर कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, बॉलिंग में कौन आएगा, स्पिन क्या होगा, वो सेट वो, जबकि अब पाकिस्तान को देखें उनकी टीम को आजकल वो ठीक ठाक सेट दिखाई दे रहे हैं। ओपनर्स दो हो गए, इमाम फ़खर, फिर बाबर आएंगे, फिर रिजवान, सलमान अली आगा, इफ्तिकार, शादाब नवाज, सेट टीम लग रही है। और खासकर आज उनकी पेस बॉलिंग जो हम देखें द 100 में भी या लंग जो प्रीमियर लीग चल रही थी उसमें भी ठीक ठाक उन्होंने परफॉर्म किया, तो बॉलिंग भी उनकी ठीक लग रही है आज। खासकर बैटिंग मुझे आज पहली बार पाकिस्तान की ठीक लग रही है इंडिया से। और दूसरी बार जो मुझे लग रही है उसको मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट जो मैं इंडिया को दूंगा यहाँ, वो है यही कि वर्ल्ड कप का चांस, वो जो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है ना चौक होने का वर्ल्ड बड़े मैच में वर्ल्ड कप में, वहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत उनके लिए चांस लग रहा है इंडिया का कि हो सकता है पाकिस्तान फिर से वही रिपीट करे जो वो करते आ रहे हैं वर्ल्ड कप में। लेकिन उसके बाद जब मैं टीम्स देख रहा हूँ ऑन पेपर, उस पर देख मुझे लगता है पाकिस्तान की टीम थोड़ी सी बेहतर लग रही है इंडिया से। 60-40 आई थिंक, 60 पाकिस्तान 40 इंडिया आज मुझे लग रहा है। 60-40 60-40